जिस देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है, दोनों को बांटने की कोशिश समय समय पर राजनेताओं द्वारा की जाती रही है, वहीं बेटमा क्षेत्र के रहवासियों द्वारा देश के दो बड़े समुदाय हिंदू व मुस्लिमों ने अपने एकता और सौहार्द का परिचय देते हुए एक मिसाल कायम की व देश को गौरवान्वित कर दिया है। यह देखने को मिला बेटमा में, जहाँ पर एक ओर तो मुस्लिम समुदाय के ताजिए का जुलूस, वहीं दूसरी ओर हिंदू संप्रदाय के ढोल की झांकियां दोनों एक साथ आपसी प्रेम से इस प्रकार से निकली कि देखने वालों को आनंद की प्राप्ति का कोई ठिकाना नहीं रहा। जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा ढोलों का स्वागत किया जा रहा था, वहीं हिंदू संप्रदाय के लोगों द्वारा ताजियों का स्वागत किया जा रहा था। 31 साल बाद देखने को मिले इस नज़ारे को हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने के लिए आतुर दिखा। वहीं हिंदू मुस्लिम के मंच के साथ विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा भी मंच लगाकर इनका स्वागत किया गया व डोल के सदस्यों खलीफाओं को पुरस्कार दिए। देश की एकता को समर्पित इस कार्यक्रम में देपालपुर तहसील के आला अधिकारी SDM प्रतुल सिन्हा, SDOP RK राय, बेटमा थाना प्रभारी DPS चौहान, तहसीलदार विवेक पाठक और तहसील के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शांति समिति में जिम्मेदारी लिए हुए युवकों, बुजुर्गों और दोनों संप्रदाय के लोगों का धन्यवाद दिया और सभी अधिकारी आम जनता के बीच पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही शांति समिति में जिम्मेदारी लिए हुए युवकों, बुजुर्गों और दोनों संप्रदाय के लोगों का धन्यवाद दिया और सभी अधिकारी आम जनता के बीच पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। समाज का डोल 11 का त्यौहार है और मुस्लिम समाज का आज जो है कत्ल की रात है, जिसमें मुहर्रम ताजिए निकलना है। और ये बेटमा नगर की तो मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, ये खासियत रही है कि यहाँ दोनों समुदाय मिलकर के और हिल मिल करके अपना त्यौहार मनाते हैं। और आज जैसा आप सभी लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है कि यहाँ कटकटपुरा में मस्जिद के पास जो मुहर्रम रखे गए हैं और उसी रास्ते से ये डोल 11 निकला है, तो मुस्लिम समाज के द्वारा डोल 11 के सभी झांकियों का स्वागत किया गया है, उनके सभी संचालकों का स्वागत किया गया है। इसी तरह से जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हिंदू समुदाय द्वारा भी स्वागत किया जाता है। बहुत अच्छी परंपरा यहाँ नगर की है, सब लोग हिलजुल करके मिलजुल करके अपना अपना त्यौहार मनाते हैं और ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आगे भी अन्य क्षेत्रों में भी बनी रहे, हम सबकी शुभकामनाएँ हैं। और मैं आज आपके माध्यम से दोनों समुदाय के लोगों को इस त्यौहार की शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मिसाल पेश हुई, मैं समझता हूँ कि देपालपुर विधानसभा के समक्ष जो बेटमा नगर वासी है और यहाँ के आइट साइड के जितने भी लोग हैं, जो उन लोगों ने एक समाज के हित में अंदर जो एक फैसला लिया, ईश्वर की एक देन थी कि आज मुहर्रम का दिन है, ताजिए भी साथ में निकलते हैं और यहीं ढोल 11 का जुलूस भी साथ में निकलता है, एक भाईचारे का और एक प्रेम आपस में कैसा बना रहे, ये सब चीज़ आप सबको देखने को यहाँ देपालपुर विधानसभा के अंदर बेटमा में दिखने को मिल रही है। मैं मेरी ओर से संपूर्ण देशवासियों को ढोल 11 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एकमात्र बेटमा ऐसा है जहाँ आपस में भाईचारा और प्रेम जो बना हुआ है, इसका एक मिसाल पेश की है सभी देशवासियों ने, यहाँ के ग्रामवासियों ने, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।